को कोई भी डाउट हो। एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशनशिप, और इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। इसके बिना आपका कोई भी और पॉइंट है डियर चिल्ड्रन? मितांश, नित्या, परने, धीरेन, दिव्यांशी। हाँ जी बेटे बोलिए जी पुत्र, रोल नंबर 31। सर, आपने जो कल सैटरडे को लास्ट न्यूमेरिकल कराया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास, सर हाँ, उसमें 10 डिग्री ए क्या है? 10 डिग्री नहीं है बेटे, ये 10 एंगस्ट्रॉम्स होता है। इसका मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी वैल्यू 10^-10 मीटर्स के बराबर होती है। ये तरीका है 1 एंगस्ट्रॉम को लिखने का, जैसे आप 1 मीटर 1 सेंटीमीटर लिखा करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आप बेटे इसको भी कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। एक डिनोट करने का तरीका है, ठीक है जी। और डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को कोई और बात बेटे पूछनी हो रिलेटेड टू अवर होल चैप्टर? ओके नाइस बेटे, देन मैं हमारा जो कंसेप्ट है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का, इस कंसेप्ट पे थोड़ी देर फोकस करूंगा, और कुछ इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। आइए बेटे देखें, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इनको हम किस तरीके से रिलेट करके इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो हैं उनको देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बेटे, डियर चिल्ड्रन, आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ई जो है 1/2 mv² आपने ये इन द बिगिनिंग रिलेशनशिप डिराइव भी किया था। मैं अभी फिर भी करके दिखा देता हूं आपको, पहले मैं ये रिलेशनशिप की बात कर लूं। और आप ये भी जानते हो कि मोमेंटम जो है स्मॉल p, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी हुआ करता है। आप क्या करिए, इस काइनेटिक एनर्जी का जो ये फॉर्मूला है ई, विच इज इक्वल टू 1/2 × मास ×² ऑफ द वेलोसिटी, इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें कोई चेंज आएगी। 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी क्वांटिटी वही रह जाया करती है, एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2 mv² × मास/मास। एम कट जाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, और हमारा कोई भी बेटे इफेक्ट रिलेशनशिप पे नहीं पड़ेगा, तो वी कैन मैनेज इन दिस वे। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1/2 m × m, इट इज स्क्वायर b, एस एच आ गया, डिनोमिनेटर में एम आपका एस एच पड़ा रह गया बेटा। इस रिलेशनशिप को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ई दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी का सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m बेटा। मास इंटू वेलोसिटी बेटे जो है हमारा, ये मोमेंटम के बराबर आपने यहाँ पे बोल रखा है। सो आप मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इसको डियर चिल्ड्रन मोमेंटम जो है एज मोमेंटम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो ई विल बी इक्वल टू p² / 2 m, इट विल बी बेटा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप जो है ये बन जाता है। इसके बाद आप क्या करिए बेटा, कि आपका जो मोमेंटम का स्केयर है आप इसको 2 × m × e भी कर सकते हो, और आपका जो मोमेंटम है दिस इज √2 × m × e, आप ऐसे भी इनको रिलेट करके सोच सकते हो। तो ये बेटे आपके पास आपकी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके और आपके ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसके बीच में रिलेशनशिप जो है ये डियर चिल्ड्रन बन जाता है। अब आइए मैं एक दो प्रॉब्लम, जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि इसकी रिलेटेड एक आधी प्रॉब्लम आपको करनी है, आइए देखें बेटा। तो एक दो मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं ये रिलेशनशिप्स भी आपको डिराइव करके दिखाता हूँ।
इमेजिन कर लीजिए बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, तो परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम आपको निकालना है. काइनेटिक एनर्जी आपने 100% इंक्रीज किया है एंड वी इंटेंड टू कैलकुलेट द कोरिस्पोंडिंग परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम. उसके लिए बेटे ई डैश नई काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 100% ऑफ पी, ये बच्चों आपके पास आ गया. और उत्तर ई डैश जो है ई प्लस 100 अपॉन 100 ऑफ ई, ये जीरो बच्चों कट गई. ई डैश इज ई प्लस ई, ई डैश इज बेटे ट्वाइस ई. आपने नई काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ई डैश आपने निकाल लिया. अब बेटे नया मोमेंटम पी डैश आपका जो होगा इट विल बी 2 × m × e डैश के बराबर होगा जी. ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 m e डैश की जगह पर आपने 2 e सब्स्टिट्यूट कर दिया कुछ इस तरीके से, राइट जी. इसको बेटे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज योर रूट 2 अलग से लिख लिया एंड 2 × m × e अलग, ये वाला हमने अलग निकाला है, बाकी हमारा जो है ये सारे का सारा बेटे जो है इंटेक्ट है, उसको हमने बाकी चीज को कुछ भी नहीं चेंज करना. सो जब आप इतना कर लोगे बेटा लेट अस प्रोसीड फर्दर विद कि हमने अब पी डैश और पी जो है आपका इनको फर्दर बेटे कैसे टैकल करना है. आइए देखिए पी डैश आपके पास बेटे जो है दिस इज देन इक्वल टू 2 √, ये एस सच आ गया. और इस चीज को अगर आप देखो तो ये आपका मोमेंटम पी के बराबर आपने अभी अभी रिलेट किया था, सो दिस इज इक्वल टू पी. आप इस पी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा पी डैश डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू √2 आ जाएगा. दोनों तरफ से 1 माइनस कर दीजिए, p डैश बाई पी माइनस 1 इज √2 माइनस 1, इट विल बी p डैश बाई पी इज √2 माइनस 1. एक तरीका है सॉल्व करने का, अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे करिए, आप जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस सॉल्व करने का एक तरीका ही है. दिस इज प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट वे, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. इसके बाद बेटे न्यू मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस विल गिव यू द चेंज इन द मोमेंटम. इसको आप डेल्टा पी कहा करते हो. इन द डिनोमिनेटर इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोमेंटम एस एच पड़ी है, और ये जब आप बेटे पुट कर दोगे तो आपके पास दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ में, दिस इज √2 − 1 × 100 ये आ जाए. और जब आप ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको मिल गया, दिस इज इक्वल टू 1.414 − 1 × 100, दिस इज 0.414 × 100, दिस इज 41.4%. इस तरीके से आप बेटे चेंज रादर द परसेंटेज चेंज जो है आपके मोमेंटम का इसको निकाल सकते हैं. सो डियर चिल्ड्रन बता दीजिए, एक और कर दूं कि हाँ रिपीट कर देता हूं मैं एक बार फिर से देख लो बेटे. आपको कहा था स्टेटमेंट पार्ट में कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की उसको 100% इंक्रीज कर दिया गया है और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द मोमेंटम जो है दैट वी नीड. ये आपके पास बेटे नई काइनेटिक एनर्जी है ई डैश, इट इज ई प्लस 100% ऑफ ई बिकॉज आपने 100% इसको हाइक दिया है, इंक्रीज दिया है इसको. ये 100% ई को आप ऐसे लिख सकते हो, ई डैश इज इक्वल टू ई प्लस ई आ गया,
ई डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ही आ गया। अब आपका रिलेशनशिप है पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू एम इंटू ई, ई की जगह पर आपने लिख दिया ई डैश, ई डैश की आपने ये जो वैल्यू निकाल रखी है इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, पी डैश इज टू एम इंटू टू ई, ये आ गया। ये टू अंडर द रूट जो था इसको आपने ऐसे रहने दिया, बाकी टू एम ई की जगह पे आपने पी लिख दिया बिकॉज यू नो दैट पी इज इक्वल टू रूट टू इंटू एम इंटू ई। और इस पी को आपने इधर लेफ्ट साइड पे एडजस्ट किया, इट इज इक्वल टू रूट टू, दोनों तरफ से वन को माइनस कर दिया और आपके पास ये चीज बन गई बेटा। और ये आपको डेल्टा पी चेंज इन द मोमेंटम दे देगा, पी एस एच पड़ा ही है तो चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100 कर दीजिए तो आपके पास बेटे आपका जो है रिजल्ट आ जाए। एक बार बेटे बताइए सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया बेटे? डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू बेटा, यस बेटे डियर ऑल, ओके बेटे, वेरी नाइस, वेरी नाइस टू सी यू ऑल दैट यू आर गेटिंग इट कंप्लीटली इन अ गुड वे। अब बेटे मैं देखो आपको एक बार धीरेन कुछ कहना चाहता है। हाँ जी धीरेन बोलिए जी। सर कैमरा थोड़ा सा ऑफ कर दो। हाँ जी कैमरा थोड़ा राइट की तरफ कर दो बस। यस सर यहाँ पे। ठीक है बेटा ठीक है। डियर चिल्ड्रन अब मैं थोड़ी सी ना हमारी जो एक डेरिवेशन है आपके काइनेटिक एनर्जी के लिए और बेटे जो हमारा है वर्क एनर्जी थ्योरम इनके ऊपर भी मैं 5-4 मिनट लगाना चाहता हूँ बिकॉज कई बार आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में भी और टेस्ट में भी डेरिवेशंस के लिए भी पूछा जा सकता है। सो आइए डियर चिल्ड्रन सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी आपका जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/2 mv² बच्चों ये कैसे बना इसकी बात करें, फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की भी बात करें कि न्यूमेरिकल्स आपने काफी किए हैं पूरा वीक न्यूमेरिकल्स आप करते रहे हो। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको इन इक्वेशंस को डिराइव कैसे करना है उस तरीके की भी एक बार बच्चों बात कर लें। आइए बेटे कंसंट्रेट करें, दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए पहली बात तो यह है कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। काइनेटिक एनर्जी जो है डियर चिल्ड्रन इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसकी मूवमेंट की वजह से जितनी भी एनर्जी वो पोजेस करेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और हमने एक स्ट्रेट रोड इमेजिन किया, एक सरफेस इमेजिन किया, इसमें एक हमने टॉय कार इमेजिन की है और ये टॉय कार इनिशियली रेस्ट पे है, एम इसका मास है, ए पॉइंट पे ये प्रेजेंट है, आपने इसको इस तरीके से पुश कर दिया है। जब आप पुश करोगे इमेजिन करिए आपने फोर्स एफ अप्लाई किया पुश करते टाइम, इस फोर्स की वजह से आपका जो ये टॉय कार है ये बी पॉइंट पे पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी बन गई बी, ए से लेकर बी तक इसने एस के बराबर का बेटे डिस्टेंस कवर कर लिया। डियर चिल्ड्रन इनिशियली रेस्ट पे है फिर इसकी वेलोसिटी बदल गई है और अगर आप देखो आपने फोर्स भी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स सेम ही है एक ही है, और अगर बच्चों डायरेक्शन सेम है इसका मतलब हुआ कि मोशन आपका एक्सेलरेटेड हो जाएगा बिकॉज आप उसको पुश कर रहे हो। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है आपको वर्क डन निकालना चाहिए, वर्क डन डब्ल्यू एफ इंटू एस के बराबर होता है अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, आपने कर दिया ऐसे वर्क डन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ इज एम ए एस आ जाएगा जी पुत्र बिकॉज फोर्स आपका, हाँ जी बेटे करता हूँ वो भी मैं, आपका फोर्स वर्क डन जो है
फोर्स आपका एम इन टू ए के बराबर आकर होता है, दैट्स व्हाई वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इट एज एम इन टू ए। लेट अस से दैट कि इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ। एक बात यहाँ पे बड़े ध्यान से समझने वाली है, अगर बेटे जो आपने अपनी टॉय कार को पुश किया था, फोर्स अप्लाई की थी, आपको कुछ वर्क करना पड़ा था इसको ऐसे पुश करते टाइम, अगर हम इमेजिन कर लें कि ये जो सरफेस है और जो टायर्स हैं इसके टॉय कार के, इनके बीच में कोई ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, जितना आप वर्क कर रहे हो वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। अगर ऐसा है तो वर्क डन की जगह पर आप काइनेटिक एनर्जी बच्चों लिख सकते हैं, और मेरा इक्वेशन नंबर वन उत्तर फिर क्या बन गया, एम इंटू ए इंटू एस। अब मैं इसको वन नंबर कह देता हूं, इसको रहने देता हूं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंगली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस है। इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एस हो जाएगा जी। यहां से ए एस निकाल लो, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू वी स्क्वायर। ये ए एस की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, ई इट विल बी इक्वल टू वन बाई टू वी स्क्वायर इंटू, ये आपके पास जो है एम आ जाएगा बिकॉज आपने ए एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। सो जब आप ऐसे कर दोगे बेटे, देन आपके पास जो फार्मूला है ई इट विल बिकम वन बाई टू इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। इसको आप कह देते हो बेटे काइनेटिक एनर्जी। सो इन दिस वे आप अपने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला है ये डिराइव कर सकते हो। मैं ब्रीफली एक बार सारे स्टेप्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक स्ट्रेट सरफेस आपने इमेजिन किया, इस स्ट्रेट सरफेस पे एक टॉय कार इमेजिन किया, टॉय कार आपका इनिशियली रेस्ट पे था, आपने इसको पुश किया, जितनी आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, डिस्टेंस कवर्ड एस के बराबर है, वर्क डन एफ इंटू एस के बराबर आपने कह दिया, एफ को आपने एम इंटू ए लिखा। और डियर चिल्ड्रन, अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है तो आपका वर्क डन पूरे का पूरा काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, वो आपने एम इंटू ए इंटू एस जो है इस इक्वेशन से आपने थर्ड इक्वेशन की हेल्प लेकर ए एस की वैल्यू निकाल ली, उसको इक्वेशन नंबर वन में इसकी जगह पर आपने वन बाई टू वी स्क्वायर पुट कर देना है और आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटे वन बाई टू एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। नहीं बेटे, डायग्राम धीरे ना आपको समझाने के लिए होता है, अगर डायग्राम आप बना देते हो साथ में तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को सारी चीज जो है वो डिटेल में पता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो डायग्राम बनाना है ये जरूरी है, आप सिंपली लिख दीजिए आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है, फिर आपने उसको पुश किया, फिर उसकी वेलोसिटी वी हो गई, फिर उसकी ए एक्सेलरेशन हो गई, एस डिस्टेंस कवर्ड हो गया, तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे, कंपल्सरी नहीं है डायग्राम, बट जो पर्टिकुलर्स हैं ये कंपल्सरी, ये जरूर पता होने चाहिए कि यू क्या है, वी क्या है, ए क्या है, एस क्या है। अगर आप एक छोटा सा डायग्राम बना देते हो तो आपको इतनी चीजें कहनी नहीं पड़ती, वो सीधी फ्रंट पे आ जाती हैं, आपने मेंशन कर दी है डायग्राम में ही, तो कोई मुश्किल आएगी नहीं। राइट बेटा, आइए आगे चले। देन इसके बाद बेटे मैं वर्क इनर्जी थ्योरम की बात करूंगा, आइए उसको भी एक बार डिराइव करके देखें। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में बेटे हमारे पास जो है स्टेटमेंट पार्ट, सबसे पहले तो क्या कहता है स्टेटमेंट पार्ट में, हम कह देते हैं कि वर्क डन जो है दिस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द स्टेटमेंट पार्ट बेटा। वर्क डन दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
और मैथमेटिकल फॉर्म में आपका वर्क डन W चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बन गया 1 बाई टू एम बी स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एम यू का स्क्वायर, ये आ गया मेरा। इसको डेरिवेशन इसकी करने के लिए अगेन आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इमेजिन करिएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपको समझाने के लिए फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंडेटरी नहीं है। इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से बेटा मूव कर रहा है एंड लेट अस अज्यूम दैट इट इज एट पॉइंट ए। आपने इस पे फोर्स एफ लगा दिया, ये रेस्ट पे नहीं है, अब ऑलरेडी मोशन में था। जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है आपने उसी डायरेक्शन में इसको और पुश कर दिया ताकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, बढ़ जाए। और जब ये आपका टॉय कार बेटे बी पॉइंट पर पहुंचा बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, तो इसकी वेलोसिटी बदल गई क्योंकि आपने इसको पुश किया है तो वेलोसिटी तो इसकी चेंज होनी है बेटा। अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो आप कहोगे मोशन एक्सेलरेटेड है, अगर कम हो गई है तो मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है। अब हमें कैसे पता एक्सेलरेटेड है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप और पुश करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, दैट्स व्हाई द मोशन इज एक्सेलरेटेड। ए से लेकर बी तक एस के बराबर का आपके ऑब्जेक्ट ने बच्चों डिस्टेंस कवर कर दिया। डियर चिल्ड्रन देखिए मैंने कितनी छोटी छोटी बातें बोली हैं, अगर आप एक डायग्राम बना देते हो तो आपका डायग्राम में सारा ही क्लियर हो जाता है, आपको फिर इतनी डिटेल लिखनी नहीं पड़ती। अदरवाइज आप क्या कहोगे, सपोज ए बॉडी एट पॉइंट ए हैविंग वेलोसिटी यू, वी अप्लाई ए पुश, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स वी आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस एस व्हेन इट इज एट पॉइंट बी, मोशन इज एक्सेलरेटेड। आपको वो काफी सादा जो एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, अगर आप एक सिंपल सा डायग्राम बना देते तो इट इज सिंपली एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली बेटे देख सकते हैं। अब डियर चिल्ड्रन वर्क डन आपका जो है आप जानते हैं, फोर्स डिस्टेंस कवर्ड इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। मान लीजिए कई केसेस में आपका फोर्स और डिस्टेंस कवर्ड सेम डायरेक्शन में नहीं भी होता, अलग अलग भी डायरेक्शन होती हैं। अगर सेम हो आप सिंपली मेंशन कर दीजिए कि थीटा जीरो है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड उसी डायरेक्शन में है, और आपका वर्क डन आ जाएगा एफ इंटू एस के बराबर। अब आप अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। उसमें आपने कहा था एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहां पुट कर दीजिए, वर्क डन इज एम इंटू ए इंटू एस, इट विल बी बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह सकते हैं। और अगेन यू मे मेक यूज ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके अकॉर्डिंगली बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस है, ए एस आ गया वन बाई टू बी स्केयर माइनस यू स्केयर बेटा, ये ए एस की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। वर्क डन डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू एम, ए एस की जगह पे बन गया वन बाई टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर, एंड वर्क डन दिस इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्केयर माइनस वन बाई टू एम यू स्केयर, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। एक बार बेटे डियर चिल्ड्रन सारे स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को देखो, कोई बात आपको नहीं पता चली पूछो बेटा, एक मिनट के लिए देखिएगा बेटे इन सारे स्टेप्स को। आई होप यू माइट बी हैविंग नोटबुक एंड पेन विद यू, इसको देखिए बेटे एक मिनट के लिए, कहीं पे कोई भी बात आपकी पूछने वाली है तो आप पूछिए, अदरवाइज आई विल बिगिन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। All of you will look into this particular derivation, all the necessary steps involved, and otherwise in all. Arzu, Apran, Aryan, Dhiren, Ekjot, करवा देता हूँ बेटे।
करवा देता हूँ, डोंट वरी। कन्वर नूर सिंह और लक्ष, मितांश, नित्या, परमीत, परने, राघव, रेणुका सिंह, रिद्धिका, साहिल ढींगरा एंड 41 रोल नंबर शिवराज, सिमरन 43, 45 रोल नंबर सुमिति, नहीं सुमाती लिखा हुआ है, दिव्यांशी, हरनूर सिंह एंड कीर्ति, ऋतिक, युग शर्मा। सारे बच्चे बेटा कोई पॉइंट किसी का भी स्टूडेंट का है पूछने वाला तो बताइए, नहीं तो फिर चलें उत्तर आगे। ऑल क्लियर? ठीक है, ठीक है बेटा। अभी अभी एक स्टूडेंट कह रहा था जी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल करवा दीजिए, तो एक न्यूमेरिकल छोटा सा आपको करवा रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। लिख लीजिए न्यूमेरिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेड 4 times इट्स इनिशियल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेड 4 times इट्स इनिशियल वैल्यू, कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इज मेड 4 times इट्स इनिशियल वैल्यू, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा, दिस इज नीडेड। डियर चिल्ड्रन, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ई, ये पी स्क्वायर अपॉन 2m, आप अभी अभी रिलेशनशिप डिराइव कर रहे थे, इसके बराबर हुआ करती है, या आप ऐसे कह लीजिए पी का स्क्वायर जो है 2 into m into e, ऐसे भी आप लिख सकते हो, और आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, इट इज रूट 2m and e। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इमेजिन करिएगा कि जो आपका एनर्जी ई डैश है न्यू, बिकॉज ये 4 times दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू के, तो इट मस्ट बी 4 times e, इसके बराबर होना चाहिए। तो नया मोमेंटम बच्चों कितना बन गया, पी डैश, इट विल बी 2m e डैश, इसके बराबर आ जाएगा। पी डैश विल बी 2m e डैश, आपके पास 4 times e है। ये बच्चों 4 का रूट मैं अलग कर देता हूं, इनिशियली 4 का रूट आ जाएगा 2, इट विल बी 2, बाकी चीजें ये बच गई 2 into m into e के बराबर। नाउ यू कैन से दैट यूजिंग इक्वेशन 1, ये देखिएगा पी डैश इज इक्वल टू 2p। फाइनल मोमेंटम आपका जो है इट इज 2 times द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोमेंटम हो गया, लेकिन आपको उन्होंने फाइनल मोमेंटम नहीं पूछा, चेंज इन द मोमेंटम पूछा है। आपको पी डैश माइनस पी निकालने को कहा गया है, सो पी डैश आपका 2p के बराबर है, p इसमें से माइनस कर दिया, तो चेंज इन द मोमेंटम आपके पास p के बराबर आ गया, तो डेल्टा p आपके पास जो है चेंज इन द मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू p। सारे बच्चे पुत्र चेक करो, कोई बात नहीं पता चली, यू आर मोस्ट वेलकम, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ यू बेटे, जसलीन, जसलीन, ओके बेटा, हाँ जी बोलिए जी, रोल नंबर 5। सर अगर अकेला न्यू मोमेंटम पूछा होता तो हम 2p लिखते ना, चेंज इन मोमेंटम लेना निकालना था हमने। यस बिल्कुल ठीक बेटे, अगर वो अकेला ये पूछते तो नया मोमेंटम निकाल दीजिए, फिर आपने यहाँ पे रुक जाना या यहाँ पे रुक जाना, नो नीड टू गो अहेड। ठीक है जी, एनी अदर पॉइंट, एनी अदर चाइल्ड, धीरेन कुछ पूछना चाहता है, बोलिए जी। धीरेन कहाँ चला गया, जसलीन पहले आप बता दो। सर आपने पी डैश में से पी क्यों माइनस किया, बिकॉज आपने चेंज निकालना है, चेंज इन द मोमेंटम, पी डैश फाइनल, पी इनिशियल, फाइनल की वैल्यू, ये इनिशियल की वैल्यू, वो आपने चेंज निकाल दिया।
हाँ जी जसलीन क्लियर है? वेयर इज धीरेन? हाँ बोलो धीरेन। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आई थिंक इज 6 इनटू द मास ऑफ द ओरिजिनल वन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइंड द ग्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दी पुत्र। सर मे आई सेंड इन चैट? एक बार दोबारा बोलो धीरेन। धीरेन बेटे आपकी क्लियरली सुनाई नहीं दी आवाज, आप क्या कह रहे थे? सो एनी अदर चाइल्ड हैविंग एनी अदर पॉइंट, एनी अदर क्वेश्चन? यस बेटे डियर ऑल, एक न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा खुद फिर बेटे। लिख लीजिए बेटा, कैलकुलेट द चेंज इन अगर मास सिक्स टाइम्स बेटे कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी सिक्स टाइम्स हो जाएगी, राइट? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो ई है इट इज 1/2 mv² है, अगर आपने इसको सिक्स टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी की लागत होगी सिक्स टाइम्स। कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेड 3 times द इनिशियल वैल्यू। बेटा इसको पुत्र एक बार करके देख लेना, कोई और बात है तो बताइए मुझे बेटा। यस बेटे डियर ऑल चिल्ड्रन, एकजोत, जसलीन, करवर, नूर सिंह, सोहल, लक्ष्य, नितांश, नित्या, परमीत, परने, राघव, रेणुका सिंह, रिधिका, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। थैंक यू ऑल बेटे।